अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? आज ना एक फैक्ट्री में हमारा जो पुरानी मोहब्बत वाला मामला होता है, क्या कहते हैं, एक लड़के को खाता है जो हमारे पास काम करता है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसमें क्या क्या लिखा है। आजकल ऐसी भी मोहब्बतें जिंदा हैं। ये जी दो खत मसूल हुए हैं, नाम नहीं मैं बताऊँगा, जो फैक्ट्री में काम करते हैं। इस पर लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम, आई लव यू, ये सब कुछ मेरे दिल में है आपके लिए, आई लव यू। इसके साथ एक और लेटर है, इसके बैग पे भी कुछ लिखा हुआ है, दिल चाहता है उड़कर आपके पास पहुंच जाऊं। अच्छा जी, दूसरे लेटर में लिखा हुआ है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जान आपका, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आपका मैं इंतज़ार करती रहती हूँ, आप कब आएंगे और मैं आपको देखूँगी। एक दिन भी मैंने आपकी आवाज़ और आपको ना देखूँ तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। 4-5 दिन मेरी उंगली और मेरे हाथ पर पट्टी हो थी, आपकी एक बार भी देखा नहीं, हाल भी नहीं पूछा गया, इतना देर ही था कि आपको देखो, क्या आपके लिए पागल हूँ, आपका इंतज़ार करती रहती हूँ। आगे भी पढ़ के सुनाते हैं जी आपको, और आपको देखती रहती हूँ, आप हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में रहती हैं, और इसका हाल आप ही बता दिए कि मैं क्या करूँ, एक मिनट भी आपको नहीं भूलती, आपकी मोहब्बत ये नज़र ना आना, अगर किसी से मोहब्बत करे टूटा तुम भी देना टाइम भी देना चाहिए, जो कुछ भी लिखा है ये मेरे दिल में ही रहता है, इस खत का मुझे इंतज़ार ना करना पड़े, शुक्रिया, इसका जवाब ज़रूर देना। आगे जी शेर व शायरी की है उसने, महबूब ने अपने आशिक के लिए, मैं सब कुछ बांध सकती हूँ एक आपको छोड़ कर, आप मेरे सामने सामने से कलाम करो, लफ्ज़ एक ना बोलो, ज़िंदगी तेरे नाम करो, चांद चांदनी से होती है, सितारों से नहीं मोहब्बत एक से होती है, हज़ारों से नहीं, सॉन्ग यानी गाना, मैं भी तेथों बाद दिल लेते वी ना लाना, तेरी खुशी वास्ते ही तेथों दूर जाना। वाह क्या बात है, तू ता सजना तू ही, या कोई तेरी जगह नहीं लै सकता, तू ना मिलिया सच्चा जाती नूरी वे की, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। ये जी खत मसूल हुआ है, शेर व शायरी, और आज भी ऐसी मोहब्बतें जिंदा है जिसमें खतों किताबत की जाती है।